ઉપર કેટલા જોઈએ છે ને યાર? But people invite people to appear in your live video. We can invite कर दे। वन्या जतिन एड योर व्यूअर्स कैंसिल क्यों करे? हम कितना व्यूज ऊपर नीचे? 12 हेलो मायसेल्फ हेतल मनानी एंड आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र एंड आई एम होम शेफ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शेफ मुरारी गुप्ता सर एंड लता कपूर मैम एंड ग्रुप नारी श्रीनगर ग्रुप प्रिंस ज्वेलरी हब मैम जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अमूल फेसबुक पेज पे लाइव आने के लिए एंड ऐसा तो सभी जानते हैं अमूल का प्रोडक्ट सभी अच्छे ही होते हैं और आज मैं अपनी डिश बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला पिज्जा बाइट्स तो इसके लिए मैंने अमूल के सभी प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ यहाँ पे अमूल बटर अमूल चीज स्लाइस अमूल पनीर फ्रेश अमूल चीज क्यूब्स और अमूल फ्रेश क्रीम ठीक है 2 मिनट वेट करते हैं बाद में स्टार्ट कर देते हैं लता कपूर मैम नीचे मैसेज से बात होगा मैं लता कपूर यस शी इज देयर मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लेना है व्हाइट भी ले सकते हैं पर हेल्दी वर्जन ब्राउन ब्रेड हम यूज करेंगे ठीक है पहले हम ग्रेवी बेस प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए मुझे लगेंगे टोमेटो मीडियम साइज टोमेटो प्यूरी ये मैंने ब्लांच करके ली है और अमूल जो फ्रेश पनीर है उसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं ठीक है और जिंजर गार्लिक चॉप लिया है मैंने 1 TSP 1.5 TSP जितना और 1 medium size ऑनियन चॉप ठीक है ऑयल लगेंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर फ्रेश क्रीम मैं प्रोसेस साथ में ही दिखा देती हूँ क्योंकि प्रोसेस काफी लंबी है और कसूरी मेथी भी हम बेस ग्रेवी में डालेंगे गरम मसाला और साबुत जीरा और जो भी ड्राई मसाले हैं वो भी हम यूज करेंगे बेस में तो अभी मैं गैस ऑन कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल जितना हमारा टोमेटो का प्यूरी है वो हिसाब से हमें ऑयल डालना है ज्यादा नहीं डालना है ठीक है थोड़ा सा ऑयल हीट हो रहा है तब तक मैं अमूल का प्रोडक्ट दिखा देती हूँ ओपन करके अमूल बटर जो हमारी डिश की जान है शान है तो मैं आज वो यूज करने वाली हूँ अपनी डिश का तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर भी यूज करेंगे यहाँ पे ठीक है गरम हो रहा है सोनिका गुप्ता जी पूछ रहे क्या बना रहे हो हेलो सोनिका जी मैं आज बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला पिज्जा बाइट्स तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस ग्रेवी में प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए तो यहाँ पे मैंने 2 TSP जितना ऑयल लिया है और 1.5 TSP जितना अमूल बटर लिया है ठीक है तेल गरम होने के बाद हम जीरा डालेंगे मीडियम फ्लेम रखी है मैंने आप रेसिपी के दौरान कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझे और पनीर भी मैं दिखा देती हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है टेक्सचर भी काफी अच्छा है
तो मैंने थोड़ा हाफ जितना कट करके क्यूब्स कर लिए है और हाफ मैंने रख दिया है। शुभम चौधरी जी पूछ रहे क्या बना रहे हो। हेलो सर, मैं आज पनीर टिक्का मसाला पिज्जा बाइट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए हम बेस ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल और बटर खाली वही दोनों डाले हैं। तो अभी मैं फर्स्ट ग्रेवी बेस प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में पनीर टिक्का का मैरिनेशन करेंगे। अभी जीरा डाल देते हम, ठीक है। आपको गार्लिक स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, मैंने ये थोड़ा ही डाला है। तो जिंजर गार्लिक आप देख सकते हैं, मैंने 1 1/2 टीस्पून जितना लिया है। अभी फ्लेम स्लो गैस पे मैं गार्लिक और जिंजर की पेस्ट को भूनना है 1 सेकेंड के लिए। जब भी गेस्ट आए अचानक से तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीज घर पे अवेलेबल रहती है। अभी मैं ओनियन डाल रही हूँ, एक बार तेल आ जाए बाद में फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है और आराम से करना है, ठीक है। अभी ऑयल हो रहा है, तब तक सॉल्ट भी मैं अभी थोड़ा डाल देती हूँ। ठीक है, ओनियन सोटे हो रहे तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। अभी मैं टोमेटो प्यूरी और यहाँ पे काजू की पेस्ट लेनी है, ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना लेनी है। 1 1/2 रहेगी तो भी चलेगा। तो ये काजू को मैंने 5 to 6 काजू जो थे उसको मैंने वाटर में रख के छोड़ दिया था मैंने 1/2 1/2 के लिए, उसके बाद पेस्ट बना लिया। ब्राउन ब्रेड मैंने यूज किया इसलिए क्योंकि हेल्दी वर्जन भी है, प्लस पिज्जा का बेस जो सॉरी ब्रेड का जो बेस रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है ब्राउन ब्रेड का। तो मैं सजेस्ट करूंगी ब्राउन ब्रेड ही यूज करें ये रेसिपी में, कलर टेक्सचर टेस्ट सब अच्छा आता है उसमें। थोड़ा ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। अभी टोमेटो प्यूरी में ऐड कर देती हूँ, ओके। ये 2 मीडियम साइज टोमेटो का ब्लांच करके मैंने प्यूरी बना ली थी। सॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डाला था, तो अभी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ऐड करूंगी। बस अभी थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देती हूँ मैं। एक दो बॉईल आने के बाद मैं काजू की पेस्ट ऐड करूंगी, ठीक है। कौन कौन जो है नाम कमेंट है 41 लोग है। काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो अभी टोमेटो छोटे हो रहे हैं, एक दो बॉईल आने के बाद ही हमें काजू की पेस्ट ऐड करना है, तुरंत ऐड नहीं करना है। मैं
तो नीचे बैठ जाएंगे वो। तो काफी सारे आज अमूल के प्रोडक्ट है, अमूल फ्रेश क्रीम जो मैं ग्रेवी बेस जो बना रही हूँ अभी उसके एंड में मैं यूज करने वाली हूँ, और पनीर तो पनीर टिक्का जो हम बनाने वाले हैं मैरिनेशन उसके लिए मैंने पनीर यूज किया है। अमूल के सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया बन चुका है, आज पूरे इंडिया की पसंद है आज। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्योरिटी, गुडनेस काफी अच्छी है। मेरे घर में सभी डिश में पंजाबी हो या चाइनीज कुछ भी, उसमें मैं ज्यादातर इटालियन सब में मैं अमूल के प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ घर पे। अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी ठीक हो गई है, अभी मैं काजू की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 5 to 6 काजू मैंने लिए हैं, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। ओके, हाफे यहाँ के लिए पानी में गर्म पानी या थोड़ा ठंडा पानी रहेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल पानी में भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर काफी अच्छा है। अभी जो भी मसाले हैं ड्राई मसाले मैं ऐड कर देती हूँ। धनिया जीरा पाउडर मिक्स है, ओके वो ऐड करना है। आपके टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मीडियम स्पाइसी मिर्ची है तो वो यूज कर रही हूँ, हल्दी अभी नहीं डाला। कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कलर के लिए 1 TSP। अभी हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। बेस ग्रेवी ऐसे ही प्रिपेयर करनी है। अभी मैं अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने सॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में डाला था पर काफी कम डाला था, तो अभी मैं टेस्ट ग्रेवी के हिसाब से मैं अभी सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। काफी रिचनेस आ गई है, आप देख सकते हैं बेस ग्रेवी का कलर। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं फिर से थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। स्टार्टिंग में ऐड किया था मैंने, बस अभी फ्रेश कोरिएंडर धनिया अभी ऐड करना है थोड़ा सा। बस काफी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, और ये जैसे थोड़ी ठंडी होगी तो थोड़ी टाइट वैसे भी हो जाएगी, तो ज्यादा एकदम टाइट नहीं करनी है। ठीक है, बेस ग्रेवी प्रिपेयर है तो अभी मैं साइड में ले लेती हूँ।
अभी सेकंड स्टेप में 100 ग्राम के 150 ग्राम जितना मैंने पनीर क्यूब्स लिए, ठीक है, और ये कच्चा ही है, ठीक है। अभी पनीर में हम ऐड करेंगे सब ड्राई मसाले। आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा तीखा पसंद है और पिज्जा में वैसे भी चीज आएंगे और तो थोड़ा तीखा रहेगा तो ही टेस्ट आएगा। धनिया जीरा पाउडर, ठीक है। अभी यहाँ पे टर्मरिक में ऐड करेंगे आप, ठीक है, गरम मसाला एकदम ज्यादा, एकदम मसाले एकदम ज्यादा भी नहीं डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी थोड़ा डालना भूल गई थी, मैं अभी डाल देती हूँ बेस भर में, आप एंड में डाल देना, फ्लेवर और टेस्ट काफी अच्छे आएंगे। बस कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है बेस भर का, ओके। अभी कसूरी मेथी यहाँ पे भी डालनी है, ठीक है, हाथों से ऐसा करके डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने जो अमूल बटर रहता है उसको मैंने गरम कर लिया है, ठीक है, मेल्टेड बटर लेना है, अमूल बटर आपका जितना पनीर है वो हिसाब से लेना है, ज्यादा भी नहीं डालना है। एक बार मिक्स करके देखना है, मैं रेड चिली और डाल दूँ, थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि स्पाइसी अच्छा लगेगा, और सोल्ट और ब्लैक सोल्ट भी डालना है और सोल्ट भी डालना है, तो संभल के ही डालना है। अभी सोल्ट, ब्लैक सोल्ट डाला है तो वो हिसाब से डालना है हमें, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है। और यहाँ पे कंपल्सरी मेल्टेड बटर ही लेना है, नो ऑयल और घी भी नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा बटर हम डालेंगे, मैं नजदीक से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, बटर संभाल के ही डालना है, ज्यादा भी ऑयली वो टेक्सचर में नहीं चाहिए हमें, खाली मसाला कोटिंग होना चाहिए पनीर के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे मैंने कोयला, ब्लैक जो कोयला आता है वो लिया है, तो हम स्मोक देने वाले पनीर में, ठीक है। स्मोक देना कंपलसरी नहीं है पर एकदम ही स्मोकी फ्लेवर काफी अच्छा लगता है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, इतना कंपलसरी नहीं है। आप कुछ, आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अभी मैं आंसर दे दूंगी। पनीर में जो भी मैंने मसाले डाले वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, पर कंपलसरी मेल्टेड बटर ही लेना है इसमें। अभी आप देख सकते हैं काफी बर्न हो गया, ठीक है। अभी एक कटोरी लेना है, बीच में ऐसे रख देना है, ठीक है, उसके ऊपर
उसके ऊपर मेल्टेड बटर जो लिया है वो, कसूरी मेथी, थोड़ी सी गर्म मसाले और ढक देना है। 4 to 5 मिनट्स के लिए हमें ढक के रखना है, ठीक है? तो वो स्मोक पूरा वो पनीर में बैठ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स को बता दो। ये जब तक हो रहा है तब तक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। अभी यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है तो उसकी जो बॉर्डर जो रहती है मैंने कट कर ली है, ठीक है? अभी इसको कट करने के बाद थोड़ा हल्के से ऐसे प्रेस करके देखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? बस अभी आप देख सकते हो स्मोक अभी हो रहा है। और ब्रेड एकदम फ्रेश ही लेना है, एकदम हल्के हाथ से करना है ज्यादा। स्टार्टर रेसिपी भी बोल सकते हैं, स्नैक रेसिपी भी आपको आप बोल सकते हैं इनको। मैं जो दिखा रही हूं एकदम हल्के हाथ से प्रेस करना है क्योंकि ब्रेड काफी फ्रेश है, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं अभी निकाल देना है, ठीक है? पनीर में काफी अच्छी आप देख सकते हैं खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है मुझे, ठीक है? और अभी ग्रेवी भी है वो ठंडी हो गई है, थोड़ी गर्म है तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर लेती हूँ तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अभी प्लेट में निकालने के टाइम काफी एकदम ही अच्छी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है? तो अभी ये रेडी है, पर थोड़ा मैं ठंडा कर लेती हूँ। तब तक अमूल का जो चीज स्लाइस है वो मैं निकाल के रखती हूँ, ठीक है? पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन प्रॉपर पैकेजिंग रहता है, ठीक है? मुझे मैं दो बना रही हूँ तो दो निकाल रही हूँ। मिस्टर डिविजु ये पहले से निकालती हो तो कुछ समर सीजन चल रहा है ना तो मिक्स हो जाता था, तो मैंने अभी इसलिए अभी मैं कर रही हूँ, ऐसे कट करके मैं रखती हूँ, ठीक है? ठीक है, thank you।
चीज बर्स्ट भी बोल सकते हो और पिज्जा बाइट्स भी बोल सकते हो, चीज बर्स्ट पिज्जा बाइट्स। ठीक है, मैं अभी ऐसे निकाल के रखती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे जो चीज क्यूब है अमूल का प्रोसेस चीज, ठीक है, तो वो दो निकाल रही है क्यूब्स। हम देख सकते हैं पैकेजिंग काफी इतना अच्छा रहता है, एक एक क्यूब्स का कट करने की भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, मैंने कट करके रख दिया। और अभी अभी हमें लगे पनीर टिक्का मैरिनेशन करके स्मोक करके हो गया है। अभी मैं टोमेटो का डाइस लेना है, मीन्स उसके बीज निकाल के ऐसे पीसेस करके रखना है। ठीक है, वैसे ही कैप्सिकम का भी बीज निकाल के पीसेस करना है और ऑनियन। ठीक है, और ये मैं गार्निशिंग में यूज करने वाली हूँ, शेजवान चटनी और ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स, तो ये तीन हमें लगेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा पूरा रेडी है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ फाइनल। अभी ब्रेड के ऊपर हमें लेना है चीज का स्लाइस लगाना है। ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर दूसरा ब्रेड थोड़ा प्रेस करना हाथ से, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी जो बेस ग्रेवी हमने बनाई आपको रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। और मेरा ये अमूल फेसबुक पेज पे आज फर्स्ट लाइव है, तो कुछ मिस्टेक होती है तो आई एम रियली सॉरी। ऐसे बेस ग्रेवी स्प्रेड कर दी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बच्चों को तो काफी पसंद आती है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है और पर्सनली मेरी काफी फेवरेट है। ठीक है, काफी रिचनेस और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। हमने फ्रेश क्रीम डाली है, अमूल बटर है यूज किया है यहाँ पे और सब स्पाइसेस हमने डाले। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद अभी हम चीज को चीज क्यूब को स्प्रेड करेंगे, जो चीज क्यूब हमने निकाली ना उसको हम ग्रेट कर देंगे इसके ऊपर। अभी ये इतने अच्छे बनेंगे ना आप पिज्जा को भूल जाएंगे आप। ठीक है, अभी ये मैंने कर दिया है। ठीक है, गैस ऑन कर देती हूँ मैं। स्लो फ्लेम पे थोड़ा गर्म कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स वो पैन गरम होता है तब तक मैं
ठीक है, चीज मैंने ग्रेट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने कैप्सिकम जो मैंने रखे वो ऐड करूंगी। पनीर हमारे बीच बीच में पनीर ऐड करना है। पनीर को पहले ऐड करो। ठीक है, अभी टोमेटो ठीक है, हल्का सा बटर ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे स्प्रेड करने के बाद। ऐसे करके रख देंगे। ठीक है, बताओ धीरे से मजी करो। फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट टाइम अमूल फेसबुक पेज पे आज लाइव है, तो थोड़ी नर्वस भी हूँ मैं। तो कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको लगे तो आई एम रियली सॉरी। एंड अभी आप और हाँ, ये स्लो फ्लेम पे ही रखना है हमें। आपको रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना मुझे, कुछ मिस्टेक हो, कुछ अच्छा आपको लगे। मीडियम फ्लेम पे करेंगे। ठीक है, अभी तब तक हम दूसरा बना लेते हैं फ्रेंड्स, गैस स्लो कर देते हैं, क्योंकि मैं फोटोग्राफी में दो लेने वाली हूँ। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, चीज यहाँ पे लेना है। फिर से हल्के से प्रेस करना है। ओके, अप्लाई द बेस ग्रेवी, और ये मीडियम स्पाइसी है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है। और इसके साथ एक चाय मिल जाए तो बात ही कुछ निराली है अभी। और साथ में जो हमने पेन पे रखा है तो उसको भी चेक करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, फिर से मैं चीज ग्रेट कर लेती हूँ। अमूल का जो ब्लॉक आता है चीज का वो भी यूज कर सकते हैं, पर प्रोसेस चीज ही लेना है, मोजरेला चीज नहीं लेना है यहाँ पे। तो ये मेरा जो कंसेप्ट आज था लाइव में आने का, ये सिंपल होममेड रेसिपी। अभी चीज मेल्ट नहीं हुआ है, स्लो गैस पे अभी चल रहा है वो। ठीक है, कमेंट आप तुमने कैसे दिया। ठीक है, पहले पनीर का क्यूब भी हम ऐड रख देंगे। थोड़ा सा हल्का से हल्के से प्रेस करना है।
चीज नेट हो रहा है फ्रेंड्स, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। अभी देख सकते हैं अभी मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है अभी, और फ्लेम अभी स्लो कर देती हूँ। हाँ, आज मेरा लाइव आने का फेसबुक लाइव पे आने का यही मकसद था कि जो सिंपल होममेड रेसिपी है उसको हम कैसे इनोवेटिव ढंग से हम प्रेजेंट कर सकते हो, और एक हेल्दी वर्जन, और वो भी अमूल के साथ। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा स्टार्ट हो गया है, अभी 2 मिनट ऐसे बंद बंद करके ऐसे रखते हैं हम। अभी ये हो गया है, ठीक है। अभी मैं दूसरा ऐड कर देती हूँ। आपको क्रिस्पी पसंद है तो क्रिस्पी कर सकते, नीचे क्रिस्पी हो गया है एकदम। अभी तब तक मैं कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं चीज काफी मेल्ट हो गया है। आप एक नजीक एक कर रखो तो आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी हो गया है नीचे से। आप आवाज सुन सकते हो कि नीचे से जो बेज रहता है वो काफी क्रिस्पी हो गया है, ठीक है। और एक पीस भी नजदीक से आपको दिखाती हूँ मैं। आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं जब तक होता है तब तक मैं प्लेटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सेजवान ली है वो ठीक है। अभी मैं एक ही पीस रख रही हूँ। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा और देखे ना। अभी ये भी चेक कर लेते, ये भी हो गया है।
दो सेकंड की लगते हैं। फ्रेश क्रीम ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा। हम देख सकते हैं टेक्सचर वो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी प्लेट रेडी है। और यहाँ पे मैंने काफी सारे अमूल के प्रोडक्ट यूज किए हैं तो सब तो हाथ में नहीं ले सकूंगी। ठीक है, अमूल चीज, अमूल पनीर, आपको रेसिपी फ्रेंड्स कैसी कैसी लगी कमेंट आवाज़ कमेंट लता मैम ने कमेंट आवाज़। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी हो गई है, आप देख सकते हैं पनीर टिक्का मसाला पिज्जा बाइट्स रेडी है। तो आप कूलर चाय या कुछ ठंडा उसके साथ आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सेठ मुरारी गुप्ता सर, लता कपूर मैम और हमारे ग्रुप नारी श्रीनगर उनके जो एडमिन है क्रिश ज्वेलरी हब मैम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आज फेसबुक लाइव पे अमूल फेसबुक पेज पे आने के लिए। और ये काफी एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मेरा लाइव आज रेसिपी देखी और जो बाद में भी देखने वाले उनको भी थैंक यू। ठीक है, मैं सेशन एंड करती हूँ मैम। थैंक यू एवरीवन, बाय।